मुहर्रम खत्म हुए हफ्ता बीतने को है, लेकिन जुलूसों के विवादित नारों की वीडियो हर दिन सामने आ रही है। इस कड़ी में सोशल मीडिया पर कानपुर जिले की बताई जा रही जुलूस की एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसमें भीड़ विवादित नारेबाजी कर रही है, वो भी खाकी के सामने। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मंच से गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा का उद्घोष होता है और वहां मौजूद भीड़ जवाब में सिर तन से जुदा का नारा जोर जोर से दोहराती। वायरल वीडियो में एक दो बार नहीं, कई बार सिर तन से जुदा करने के नारे दोहराए जाते हैं। भीड़ जब जोर जोर से नफरती नारे लगा रही थी तो वहां मौजूद पुलिस कर्मियों के कान में जू तक नहीं रेंगी। दो पुलिसकर्मी भड़काऊ भाषण को इग्नोर कर पेड़ के नीचे चर्चा में मशगूल नजर आए। वीडियो में लगाए जा रहे नारों का समर्थन NBT ऑनलाइन कतई नहीं करता है। सामने आए वीडियो में एक ओर भड़काने वाले नारे लग रहे हैं तो दूसरी ओर कुछ पुलिसकर्मी भीड़ के पीछे खड़े होकर हाथों में हाथ बांधे नफरती भाषणों को ऐसे सुन रहे हैं मानो मंच से कोई शांति का संदेश दिया जा रहा हो। खुल्लम खुल्ला सिरतन से जुदा करने की धमकी देती है वायरल वीडियो 16 जुलाई की बताई जा रही है, जो कानपुर के रावतपुर इलाके की है। रावतपुर गांव के जिस इलाके में भड़काऊ भाषणबाजी हो रही थी वहीं शीतला माता मंदिर और रामशाला मौजूद है, यानी ये विवादित नारेबाजी किसी बड़े दंगे में भी परिवर्तित हो सकती थी। करीब हफ्ते भर बाद घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो कानपुर पुलिस भी हरकत में आई। इसके बाद पुलिस ने माना कि कानपुर में मुहर्रम के जुलूस के दौरान ये नारे लगाए गए थे। ACP कानपुर अभिषेक पांडे वीडियो वायरल हो जाने के बाद कहते हैं कि पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जुलूस आयोजक समेत 50 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। विगत दिनों सोशल मीडिया पर के माध्यम से एक वीडियो क्लिप प्राप्त हुआ था जो 16-17 जुलाई की मध्य रात्रि में निकलने वाली मुहर्रम के जुलूस से संबंधित था। इसमें कुछ व्यक्तियों के द्वारा आपत्तिजनक नारे लगाए जा रहे थे। इस वीडियो क्लिप के प्राप्त हो जाने के बाद इसका परीक्षण किया गया। परीक्षण के उपरांत इसमें भारतीय न्याय संहिता और IT एक्ट के सुसंगत धाराओं में जो आयोजक हैं और जो 40-50 अज्ञात व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसमें जो विधिक कार्रवाई है पुलिस के द्वारा की जा रही है।